जैसा कि इससे पहले के तजुर्बे में हमने देखा कि जब बारिश ज़मीन पर होती है तो इस बारिश का कुछ पानी ज़मीन में जज्ब हो जाता है, कुछ पानी बह के निकल जाता है तो कुछ पानी जो है तालाब की शक्ल लेके ज़मीन पर ही जम जाता है, यानी रुक जाता है। आप जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं और हमारे यहाँ जो बारिश होती है वो सिर्फ 4 ही महीने होती है, मगर हम तो साल भर पानी पीते हैं, तो बाकी के 8 महीने हम पानी कहाँ से लाते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब 4 महीने तक बारिश होती है तो हम इंसान इसी पानी का जो है ज़खीरा कर लेते हैं, यानी इसको जमा करके रखते हैं ताकि हम उसका इस्तेमाल बाकी के 8 महीनों तक कर सकें। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि माजी में पानी ज़खीरा करने के लिए कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें से पहला है कुआं। कुआं तो सबने सुना होगा और तकरीबन फोटो या हकीकत में देखा भी होगा। तो कुआं जो होता है एक बड़ा सा दायरा होता है या बड़े से मुहित वाला गढ़ा होता है जिसके अंदर से हम लोग पानी निकालते हैं, उसका पानी इस्तेमाल करते हैं। असल में ये जो पानी होता है, जब हमारी ज़मीन पर बारिश होती है तो कुछ पानी ज़मीन में जज्ब होकर ज़मीन में जमा हो जाता है, उसी पानी को हम कुएं की मदद से बाहर निकालते हैं। पहले इन कुओं के पानी का इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किया जाता था, मगर अब इन कुओं का इस्तेमाल सिर्फ काश्तकारी यानी ज़राअत के लिए किया जाता है। दूसरा है किले पर वाक्य तालाब। जैसे कि आप जानते हैं, राजा महाराजाओं के वक्त में वो जो है पहाड़ों पर रहा करते थे, यानी पहाड़ों के ऊपर किला बनाकर रहा करते थे। उन किलों में रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरे करने के लिए कोई पानी का ज़रिया नहीं था। ऐसे वक्त में वो पहाड़ पर पत्थरों को तराश के, यानी पत्थरों को फोड़कर एक बड़ा सा गढ़ा बनाया करते थे जिसमें वो बारिश के पानी का ज़खीरा किया करते थे। इस तरीके के बहुत सारे तालाब आप महाराष्ट्र के किलों में देख सकते हो। तीसरा है छोटा कुआं। अभी अभी हमने कुएं के बारे में देखा, अभी छोटा कुआं क्या होता है? आप नाम से ही समझ सकते हो, छोटा कुआं यानी जिसका मुहित यानी जिसका दायरा कम हो, इसे हम छोटा कुआं कहते हैं। छोटे कुओं का इस्तेमाल घरेलू और रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किया जाता था। छोटा कुआं तकरीबन पुराने ज़माने में हर घर के बाहर हुआ करता था। छोटे कुओं से पानी निकालने के लिए एक बाल्टी की शक्ल के बर्तन का इस्तेमाल किया जाता था जिसको डोल कहते हैं। इस डोल को रस्सी से बांधकर उन छोटे कुओं से पानी बाहर निकाला जाता था। चौथा है नदी पर बांधे गए बंद और पुश्ता। जब बारिश होती है तो नदियाँ बहती है और ये नदियाँ बहते हुए समंदर के अंदर मिल जाती हैं, मगर वो पानी हमारे काम का नहीं क्योंकि समंदर का पानी खारा होता है। इस पानी को रोकने के लिए पुराने ज़माने में नदी बहती हुई नदी के ऊपर बीच में दीवार बांधी जाती थी। ऐसी दीवार बांधी जाती थी जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, इस तरीके की दीवार बांधी जाती थी। इस तरीके की दीवार बांधने के बाद में जो पानी नदी से बहता हुआ आ रहा था उस दीवार के पीछे ही वो रुक जाया करता था, जिसकी वजह से पानी का बहुत सारा ज़खीरा यानी पानी जमा हो जाया करता था और इसी पानी को फिर हम लोग इस्तेमाल किया करते थे। पाँचवा है तालाब। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि किलों में पत्थरों को तराश के तालाब बनाए जाते थे, इसी तरह ज़मीन पर भी चूना और पत्थर का इस्तेमाल करके तालाब बनाए जाते थे जिसमें पानी का ज़खीरा किया जाता था। ऐसे बहुत सारे तालाब आपको हमारे महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में देखने के लिए मिल जाएंगे और अभी भी इनमें पानी बाकी है।